प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब देंगी भारतीय शेरनी और हिंदुस्तान की बेटी नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। दो सवाल हैं वो पूछेंगे और प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर करेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के मुताबिक भारत की रैंकिंग जो है 126 आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 134 आती है। प्रेस फ्रीडम्स जो है इंडेक्स में 2024 के मुताबिक भारत का रैंक आता है 159, मतलब पाकिस्तान से भी जो है नीचे है। और ऑपोजिशन इस चीज़ को बार बार जो है बोल रही है कि जो कहते हैं कि इंडिया जो है दुनिया के अंदर राज कर रहा है, और इंडिया जब बोलता है तो दुनिया सुनती है। तो ये जो रैंक है ये क्यों डिक्रीज हो रहा है? अगर तो इंडिया में बीजेपी यानी मोदी सरकार ठीक काम कर रहे हैं तो हमारे जो ग्लोबल जो इंडेक्स में जो रैंक है वो क्यों गिर रहे हैं? इसके बारे में मैं दो बातें बोलती हूँ। ड्यूरिंग इलेक्शन भारत के प्रधानमंत्री जी ने मोर देन 100 इंटरव्यूज किए हैं अलग अलग चैनलों के साथ बैठ करके, और पूरा पूरा स्पेसिफिक टाइम उनको दिया है। मोर देन 50 इंटरव्यूज उन्होंने किए हैं जब वो रोड शो कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद फिर जितने भी विभिन्न चैनल्स आते हैं उसमें आप मुझे पाइएगा, नेशनल न्यूज पर जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और हैं उनको पाइएगा। आप लोगों ने मुझे हमें जब भी बुलाया है, या भारत देश के चैनल्स ने या अलग अलग देशों के चैनल्स ने हमें जब भी बुलाया है, हमने कभी इनकार नहीं किया है। बल्कि लिंक हम मांगते हैं मैसेज करके कि लिंक भेज दीजिए, टाइम हो चुका है, हम मांगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उसको भी उसको दुरुस्त करने की जरूरत है जो भी ये रैंक को दिखा रहा है। अब आती है बात कि अभी हालिया में मात्र 5 दिन पहले राहुल बाबा हमारे भारत देश के पत्रकारों को चमचा बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये इंडेक्स ने छापा नहीं, या ये उन मैगजीन वालों ने छापा नहीं जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर एलिगेशंस लगाते हैं। अब मेरी तीसरा सवाल आता है कि जब मोदी जी की तारीफ में कोई भारत का पत्रकार बात करता है, या अक्षय कुमार जब उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं मोदी जी से कि आप आम खाते हैं तो कौन सा आम खाते हैं, आप भी मुझसे पूछ सकती हैं, इसमें मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, होती है इंसान की इंक्विजिटिवनेस होती है, एक जिज्ञासा होती है, इंसान पूछ लेता है। तो उस पर राहुल बाबा ने कहा कि चमचा पत्रकार। एक तो उन्होंने पत्रकारों को इंडियन डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को उन्होंने डिफेम किया, मलाइन किया। दूसरी चीज आती है कि जिस शब्दावली का इस्तेमाल और जिस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल राहुल बाबा ने किया, क्या उनको माँ ने यही सिखाया है क्या? अब आती है तीसरी बात कि राहुल बाबा कभी किसी पर्सनल इंटरव्यू में क्यों नहीं बैठे पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन? एक भी इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। श्रीमती ममता बनर्जी क्यों नहीं बैठी एक भी पर्सनल इंटरव्यू पे? एक भी इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। शरद पवार जी क्यों नहीं बैठे एक भी पर्सनल इंटरव्यू पे? बैठना चाहिए था। उन्हें पता है फेम नहीं मिलेगा। अब जब खुद को पता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताती हूँ आपको कि लास्ट वन ईयर में मैंने 1307 डिबेट किया है। कोई भी मतलब जा करके सर्च कर सकता है। कल मुझे मेरी टीम बता रही है कि मैम ये रहा आपका एक साल का 1307 डिबेट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान चैनल। मैंने 1307 डिबेट्स सबको मिला करके मैंने एक साल में किया है। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैमरा नहीं फेस करते? हम ही तो कैमरा पे छाए रहते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है कि अगर इंडिया में सब कुछ इतना ही बेहतर चल रहा है तो 225,650 इंडियंस लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया। देखिए एक सिनेरियो था, एक वक्त था जब भारत की दिशा और दशा दोनों खराब हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी, मैं इस बात को मानती हूँ कि बीजेपी के गवर्नमेंट के अंदर हुआ 2014 से अब तक इतने लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। उसको बहुत आसान तरीके से मैं बताना चाहूंगी। शैला, जब आपकी शादी हुई, आप ससुराल गई, तो आप तुरंत एडजस्ट कर ली?
नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा, टाइम लगा ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया। 53 साल से एक देश को खंडर बनाने की पूरी कोशिश की गई, एक देश को चूस लिया गया, एक देश की आर्थिक व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, एक देश के फाइनेंशियल कंडीशन को दरहम बरहम कर दिया गया, एक देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो उसको सुधारने में एटलीस्ट 10 साल तो लगता है। और तब तक कुछ लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि भाई अब तो हम जा रहे हैं, अब धीरे धीरे। अब मैं आपको इससे पहले जो 25 तारीख को वोटिंग हुई थी, मैं उसी की घटना आपको बता देती हूँ कि एक दो चार औरतें आई हुई थी, उसका इंटरव्यू दिल्ली के रोड पर लिया जा रहा था, उनसे पूछा गया कि आप लोग को कैसा फील हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग वोट डालने के लिए अमेरिका से आए, सिर्फ वोट डालने के लिए, क्योंकि अब लग रहा है कि देश हमारा, भारत देश में हम वापस आ सकते। खबर तो टाइम्स ऑफ इंडिया की क्या है कि 96,000 इंडियंस को अमेरिका में डंकी लगाते हुए पकड़ा गया, और ये भी सवाल उठा रहे कि इससे पहले तो लोग मुंह छोड़ के ऐसे नहीं भाग रहे थे जैसे अब की सरकार में भाग रहे हैं। ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके लोग भारत क्यों आना चाहते हैं, आपकी सरकार तो आवे कावा बिगड़ा हुआ ना। अच्छा, तो आवे कावा बिगड़ गया, लेकिन हाँ, जिन जिन को ऐसा लगा था कि जो 53 साल में देश की हालत बहुत बद से बदतर हुई है, शायद वो फिर से होगा, पर जिनको अब धीरे धीरे विश्वास हो रहा है, काफी लोग रिटर्न भी आ रहे हैं। मैं अंत में शैला आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर मजाक उड़ाया था और उंगली उठाई थी, आज कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने में नाकाम हो रही है। जिन हिंदुओं को महात्मा गांधी जी ने सावरकर जी के सामने ये कहा था कि जिन भारत के हिंदुओं को वो अपनी ताकत नहीं समझते हैं, आज वही भारत के हिंदू कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला चुके हैं। कांग्रेस सरकार जब 53 साल थी, उनका एक ही एजेंडा था कि भारत के हिंदुओं को खत्म करना। आज उन्ही 82.7% हिंदुओं ने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करके कांग्रेस को उसकी औकात याद दिलाई है। अब आपने जितने भी सवाल किए बहुत खूबसूरत थे, मैं पिछले 5 साल नहीं, एक्चुअली मैं बहुत खूबसूरत थे, पिछले 5 साल में मेरा देश कहाँ पहुंचने वाला है मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी, वो भी बता देना चाहती हूँ, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 12 सेकंड लूंगी, सिर्फ 12 सेकंड। भारत नेक्स्ट 5 ईयर, भारत बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत बेस्ट इंडिया रेलवे सिस्टम, भारत बुलेट वंदे ट्रेन, भारत सोलर पावर, भारत सेमीकंडक्टर हाइड्रोजन मिशन, भारत बेस्ट वाटरवेज, भारत गगनयान, स्थिर समर्थ सशक्त भारत, भारत बेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, भारत युवाओं, भारत बेस्ट स्पेस सेक्टर, भारत बेस्ट सोलर पावर, भारत ईवी मैन्युफैक्चरिंग, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, सबसे ज्यादा इस पर तवज्जो दी जाएगी, और आने वाले वक्त में मोदी जी का थर्ड टर्म और हमारा इकोनॉमिक थर्ड पोजीशन पर आईएमएफ कॉरिडोर अभी नॉक कर ही रहा है, उसके बाद हम ग्लोबल पावर में सबसे प्रथम होंगे। जबरदस्त दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सवालात और नाजिया जी के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी राय शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि जो मैसेज है ज़्यादातर लोगों को पहुंच सके। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे और नाज़िया खान को दे इजाज़त, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच मैम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाज़िया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा शैला खान के तीखे सवालों का बहुत ही बेबाकी और बहादुरी से जवाब दिया हमारी शेरनी और भारत की बेटी नाज़िया लाई खान जी ने। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।